आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में एक एजेंसी है द द लैंसेट, इसने एक रिपोर्ट जारी की है किसी वायु की गुणवत्ता को लेकर, यानी कि वायु प्रदूषण को लेकर। इसमें क्या कहा गया है कि भारत की स्थिति, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो गर्भावस्था के दौरान होने वाले नुकसान के लिए सबसे बड़ा कारक के रूप में ये साबित हुआ है, कौन? वायु प्रदूषण। आप लोग आए दिन सुनते भी तो रहते होंगे कि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो गया है, इस शहर में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप समझिए कि वायु प्रदूषण को हम लोगों ने इतना प्रभावित कर दिया है, इसमें आपकी गाड़ियां भी हो सकती हैं इसके कारण, इसमें आप देखते हैं कि जो एक पराली जला दी जाती है ये भी हो जाते हैं। आप देखते हैं कि अभी भी महिलाएं गांव में क्या करती हैं कि वही उबले लकड़ियां उपयोग करती हैं, उसके कारण भी वायु प्रदूषण फैलता है। समझ रहे हैं आप लोग? और इससे केवल आप समझिए कि महिलाओं के गर्भावस्था पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, आप लोग विभिन्न तरह की बीमारी, श्वास की बीमारी, फेफड़ों, आप देखते रहते हैं लीवर, इस तरह की हर तरह की बीमारी रहती है। और आप पर ही नहीं, आपके जो एक तरह से जो भी जानवर होते हैं उन पर भी, और आपने देखा होगा हर तरह की प्राकृतिक वायु प्रदूषण में भी प्रकृति को भी नुकसान होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं, एक बार मैप्स में दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत एशिया में, और इसमें आपको देखने को मिलेगा ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, नेपाल, ऊपर चाइना है, ये भूटान है, बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है, ठीक है, उस सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है, याद रखिए। बात करें हम लोग तो हाल के एक अध्ययन के अनुसार खराब वायु गुणवत्ता भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गर्भावस्था के नुकसान यानी प्रेगनेंसी लॉस के मामले से प्रत्यक्ष तौर पर समर्थ है। यह संपूर्ण क्षेत्र में गर्भावस्था के नुकसान पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का अनुमान लगाने वाला अपनी तरह का पहला अध्ययन है। और इस अध्ययन की अगर हम बात करें तो इस अध्ययन के अध्ययनकर्ताओं द्वारा यह जांचने के लिए एक मॉडल बनाया गया कि PM2.5 का जोखिम गर्भावस्था के नुकसान को जोखिम को किस प्रकार बढ़ाता है। इस मॉडल के तहत मातृआयु, तापमान तथा आर्द्रता, मौसम विभिन्नता और गर्भावस्था के नुकसान में दीर्घकालिक रुझानों के समायोजन के बाद PM2.5 में प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी के कारण गर्भावस्था पर पड़ने वाले जोखिम की गणना की गई है। अध्ययन के अनुसार PM2.5 में प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी के कारण गर्भावस्था के नुकसान की संभावना 3% तक बढ़ जाती है। शहरी क्षेत्रों की माताओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं या फिर वे जिनकी गर्भावस्था के दौरान आयु अधिक हो में जोखिम की संभावना अधिक पाई जाती है। तो आप समझिए शहरी क्षेत्रों में आप भी जानते हैं कि एक तरह से कितना प्रदूषण रहता है, और गांव में तो आप देखिए काफी पेड़ रहते हैं तो वहां काफी खुली वायु रहती है, इसीलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर गांव में अभी भी आप जाइए ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सांस लेने में, स्वच्छ वायु मिलती है एक तरह से। ठीक है, क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्ट की बात करें तो गर्भावस्था के नुकसान के कुल मामलों में से 77% भारत में, 12% पाकिस्तान में और 11% बांग्लादेश में दर्ज किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित है। इसकी सीमाओं की बात करें तो यह अध्ययन प्राकृतिक गर्भावस्था के नुकसान और गर्भपात के बीच अंतर करने में असमर्थ था, जिसके कारण यह संभव है कि प्राकृतिक गर्भावस्था के नुकसान पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करके आंका गया है। कई बार आप देखेंगे गर्भावस्था से जुड़ी भ्रांतियों और डर के कारण इसके मामले ही दर्ज नहीं होते हैं, जिसके कारण आंकड़ों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये वायु प्रदूषण होता क्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो वायु प्रदूषण हवा में किसी भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हानिकारक गैसों, धूल, धुएं आदि के कारण हवा की संदूषण से है, जो कि पौधों, जानवरों, मनुष्यों को प्रभावित करता है। आप समझिए एक तरह से आप कहिए कि देखिए दूध में आप लोग पानी मिला देते हैं तो आप कह देते हैं कि एक तरह से मान लीजिए प्रदूषण, इसी तरह आप लोग पानी में भी कुछ अशुद्धियां मिल जाती हैं जो मानव के उपयोग के लिए या फिर जानवर के उपयोग के लिए अच्छे नहीं है, मतलब एक तरह से दुष्प्रभाव डालते हैं, तो उसे भी आप लोग कह देते हैं कि जल प्रदूषण हो गया। इसी में आप देखते हैं मिट्टी में कोई हानिकारक कारक मिल जाता है कोई भी हो तो उसे आप लोग मिट्टी प्रदूषण कर देते हैं। तो इसी तरह का कोई भी, याद रखिए, जो एक तरह से अपने आप में
उपयोग लायक हो, उसमें कोई अशुद्धियां मिला दे जो एक तरह से उपयोग लायक ना हो, तब हम कह देते हैं कि वो प्रदूषण हो गया है, ठीक है, यानी कि खराब हो गया। सीधा सा मतलब है, वायु प्रदूषण प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। प्राथमिक अगर बात करें तो वे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं या फिर किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, उन्हें हम लोग प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कणिक तत्व, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। और द्वितीय कारकों की अगर बात करें तो प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आप लोग जानते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ओजोन और माध्यमिक कार्बनिक एरोसेल आदि। आप समझिए वायु प्रदूषण के कारण की अगर बात करें तो आप देखेंगे खाना बनाने, ऊर्जा, घरों में प्रकाश करने आदि उद्देश्यों हेतु जीवाश्म ईंधन और लकड़ी आदि जलाना, इससे भी आपका प्रदूषण फैलता है। आप लोग देखते होंगे कि जब इस तरह का कोई भी काम होता है, जैसे आप लोग जो भी जीवाश्म है, लकड़ी है, कोयला है, ये जलाते हैं तो उसमें से धुआं होता है, उसी तरह से एक प्रदूषण फैलने में ये भी कारक है। उद्योगों में आप देखते होंगे निकलने वाला धुआं भी, जिसमें बिजली उत्पादन करने वाले कोयला आधारित संयंत्र और डीजल जनरेटर संयंत्र भी शामिल है। पर आप देखेंगे परिवहन क्षेत्र, विशेष रूप से डीजल इंजन वाले वाहनों से भी प्रदूषण फैलता है आपका। कृषि, जिसमें पशुधन जो मेथेन और अमोनिया का उत्पादन करता है, धान जिससे मेथेन का उत्पादन होता है और कृषि अवशिष्ट को जलाना आदि भी शामिल होता है। आप देखते होंगे कि जब आपकी फसल कटती है उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि उसे जला देते हैं, इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं कि देखिए जब फसल कटती है तो अब इस तरह की मशीनें आ चुकी हैं, इस बार दिल्ली सरकार ने काफी उपलब्ध कराई थी दिल्ली के आसपास, तो आप समझिए इसमें क्या करिए कि आप लोग जब फसल कट जाती है उसके टूंठे जो डूठे रहते हैं उस पर आप लोग इस तरह की कोई मशीन चलवा दीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े कर दे, तो आप देखेंगे जब वो छोटे छोटे टुकड़े होकर मिट्टी में मिल जाएंगे और पहली बरसात होगी या आप लोग पानी उसमें डालेंगे खेत में, तो वो क्या होगा कि खाद के रूप में बदल जाएगा। और आप सोचिए कि आपकी फसल को भी एक तरह से फायदा होगा, आपकी जो भी फसल की उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी और आप लोग वायु प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। तो इस तरह का आप समझिए कि देखिए काम अगर आप करते हैं तो फायदा भी रहते हैं, और अगर आप खेत में खड़ी हुई फसल में आग लगाते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो डूठे रहते हैं, जो बेकार मटेरियल रहता है उसमें आग लगाते हैं, तो आपके खेत में जो जीवाणु होते हैं वो भी मारे जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं, तो क्या होता है कि आप समझिए कि आपकी उत्पादन क्षमता में गिरावट होती है। आपने देखा होगा कि केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, जब किसान का केंचुआ एक तरह से उसमें खेत में हो, इस तरह के कोई और जीव हो जो आपके फायदे के लिए हो, अगर वो मारे जाते हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता गिरना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। पर आप देखेंगे मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग संस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार PM 2.5 और PM 10 के उच्च स्तर के कारण आप देखेंगे 1,16,000 से अधिक भारतीय शिशुओं की मृत्यु हुई है, यानी कि बच्चों की। इनमें से आधे से अधिक मौतें PM 2.5 से जुड़ी थी, जबकि अन्य इंडोर प्रदूषण जैसे खाना पकाने के लिए कोयला, लकड़ी, गोबर आदि के उपयोग से होने वाले प्रदूषण से जुड़ी हुई है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल द्वारा प्रकाशित 2016-17 में ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट की माने अगर हम लोग, तो भारत जहां वैश्विक आबादी का तकरीबन 18% हिस्सा निवास करता है और में वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के कारण होने वाले कुल असामयिक मौतों में से 26% मौतों के मामले दर्ज किए गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 2017 में भारत में प्रत्येक 8 मौतों में से एक मौत के लिए वायु प्रदूषण प्रत्यक्ष तौर पर उत्तरदायी था, और अब वायु प्रदूषण देश में धूमपान से भी अधिक लोगों की जान लेता है। आप समझिए कि एक जगह से 8 लोगों की मौत हो रही है, क्या हो रही है, 8 लोगों में से एक मौत के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या हो जाती होगी। इन्हें रोका जा सकता है, वायु प्रदूषण को तो रोका जा सकता है ना। घरेलू वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 3.8 यानी कि 3.8 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु होती है। वायु गुणवत्ता अब एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है, क्योंकि प्रदूषक काफी तेज गति से लोगों के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं और रक्त को शुद्ध करने की फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, मानसिक क्षमता और विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्ग लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है।
वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में प्रयास, जन्म के समय कम वजन, अस्थमा कैंसर, मोटापा, फेफड़ों की समस्या, ऑटिज्म की समस्या देखी जाती है। आप समझिए कि एक महिला, अगर आप समझिए कि वो चूल्हे में इस तरह के खाने बनाती है उबले या इस तरह लकड़ी का जीवाश्म का उपयोग करते हुए, तो आप समझिए कि उस पर तो प्रभाव पड़ेगा। आप समझिए उसके लिए, अगर आप समझिए गर्भ में कोई बच्चा भी है, शिशु भी है, तो उस पर भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय पहले भी की गई, भारत सरकार के द्वारा कुछ किया गया है रोकने के लिए। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, यह वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का समन्वय करता है और इस क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता के मापदंडों को निर्धारित करेगा। पर आप देखते हैं भारत स्टेज या BS6 मानदंड, ये वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उत्सर्जन नियंत्रण मानक है। आप लोग आजकल गाड़ी खरीदते होंगे तो BS6 मानक की खरीदते होंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी के लिए डैशबोर्ड, यह एक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है और डैशबोर्ड है जिसका निर्माण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जो वर्ष 1984-85 में शुरू किया गया था। इसमें 344 शहर, कस्बे और 29 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य शामिल हैं। ये पहले के आंकड़े हैं, एक तरह से याद रखिए। अब तो आप जानते हैं कि 28 राज्य बचे हुए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। ठीक है, करंट में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में बात करें तो 2019 में शुरू किया गया था और 102 शहरों के लिए एक व्यापक अखिल भारतीय वायु प्रदूषण उन्मूलन योजना है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है जो प्रदूषित वायु में सांस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर प्रदर्शित होते हैं। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक, ये वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित विभिन्न प्रदूषक तत्वों के संदर्भ में परिवेश वायु गुणवत्ता के मानक भी हैं। फिर आपने सुना होगा वीद, या नीति आयोग द्वारा वायु प्रदूषण के मुकाबले के लिए 15 पॉइंट एक्शन प्लान है। फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सबसे बढ़िया काम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कर रहा है कि अब उनके पास भी गैस सिलेंडर की सुविधा हो गई, जो एक तरह से जिनके पास दूर दूर तक लेने की व्यवस्था नहीं थी। इसका उद्देश्य गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना और जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि लाना है। इसमें आप लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। मैं देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बर्थडे मनाते हैं या खुशी का कोई भी माहौल होता है, आप उसमें लाखों रुपए फूंकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करिए, आप कर सकते हैं, आपकी खुशी है। इसकी जगह, इसकी साथ साथ आप लोग जब भी खुशी का कोई माहौल है तो एक दो पेड़ भी लगा सकते हैं आप लोग, उसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा। लेकिन आप लोग इसमें, आप समझिए कि प्रकृति के काफी, आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान देंगे, और साथ में ये भी रहेगा कि आप लोग जब भी, जब तक वो पेड़ रहेंगे, आपकी एक निशानी रहेगी, आपकी एक याद रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग? मैं हमेशा बोला है आप लोगों से कि प्रधानमंत्री कोई भी सरकार आए, कितनी भी योजनाएं लाए, कभी सफल नहीं हो सकता है कोई भी काम जब तक कि आम जनता एक तरह से शामिल ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि स्वच्छ भारत की बात की गई कि काफी सफलता मिली हुई है। मैं, आप समझिए कि बीजेपी सरकार हो या कोई और सरकार हो या हमारे प्रधानमंत्री साहब हो, मैं उन्हें को बहुत से बहुत 10% योगदान देने के लिए एक तरह से उनका उसमें हाथ हो सकता है, लेकिन 90% आप लोगों का योगदान है, तभी जाकर हम लोगों ने एक तरह से इसमें सफलता पाई हुई है। कुछ अंतरराष्ट्रीय पहले भी, इन्हें भी देख लीजिए। जलवायु और स्वच्छ वायु संघ CCAC, इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। CCAC विश्व के 65 देश, भारत सहित, इसमें भारत भी शामिल है, 17 अंतर सरकारी संगठनों, 55 व्यावसायिक संगठनों, वैज्ञानिक संस्थाओं और कई नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है। इस संघ का प्राथमिक उद्देश्य मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है। CCAC की 11 प्रमुख पहले हैं जो जागरूकता बढ़ाने, संसाधनों को एकत्रित करने और प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी कार्यों का नेतृत्व करने के लिए कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ वायु पहल, तो यह राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों से वायु की गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करने के लिए विधिबद्ध है, जो नागरिकों के लिए सुरक्षित तथा इसका कार्य वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन एवं वायु प्रदूषण नीतियों को संरेखित करना है। फिर आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की 4 स्तंभ रणनीति, WHO ने वायु गुणवत्ता प्रदूषण के
प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के समाधान के लिए एक संकल्प वर्ष 2015 को अपनाया था। एक बात और बताऊं, जलवायु परिवर्तन का आप लोग देखिए इतना प्रभाव रहता है कि यह मालूम ही नहीं चलता है कि कब बरसात हो रही, कब आप समझिए कि सूखा पड़ने लगी है। आप देखते होंगे कि कब एक तरह से बाढ़ आ जाती है, कब पानी ही नहीं बरसता है, कब ठंड है, कब गर्मी है। ये आप कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का ही एक तरह से प्रभाव है। WHO के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इनका इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठन भी आपके काफी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसलिए आप लोग इनके बारे में जो भी पॉइंट रहा करे उन्हें याद रख लिया करिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि वायु प्रदूषण के लिए पीएम, इसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, PM2.5। अब कई लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए पीएम का मतलब प्रधानमंत्री ही नहीं होता है, पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर भी होता है। PM2.5 पर्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है, जो कि मानव बाल के व्यास का लगभग 3 दशमलव, माफ करिए, 3% होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना होता है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण बन सकता है और हमारे देखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साथ ही यह डायबिटीज का भी एक प्रमुख कारण बना हुआ है। और एक बात और आप समझिए कि अभी कोरोना वायरस आया हुआ था, ये भी तो हमारे बाल से कई गुना छोटा है, फिर भी हमारी औकात याद दिला दी उसने कि बेटा तुम अस्थाई हो, अकड़ मत रखिए, कभी भी आप लटक सकते हो। सबके साथ जुड़े रहिए और अपने आप को इंसान बनाए रहिए, इंसानियत रखिए, मानवता बनाए रखिए, वरना कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या औकात है, एक बाल से भी कई हजार गुने छोटे वायरस ने हमारी औकात याद दिला दी। यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। सभी प्रकार की दहन गतिविधियों, मोटर वाहन, बिजली संयंत्र, लकड़ी जलाना आदि और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं इन कणों का मुख्य स्रोत भी होती हैं। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? वायु प्रदूषण का तत्काल समाधान खोजने और स्वास्थ्य प्रणालियों को जल्द से जल्द मजबूत करने की आवश्यकता है। और ज्ञात हो कि विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से वायु प्रदूषण से अल्प अवधि राहत देखने को मिली थी। हालांकि समस्या को स्थायी रूप से अभी भी हल किया जाना शेष है। अब आप समझेंगे, इस पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, एक ऐसा समय था कि पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई थी। सभी तरह के आपने देखे हैं, उद्योग धंधे लगभग ठप पड़े हुए थे, वाहन की गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी, तो कहाँ से वायु प्रदूषण निकलेगा? तो आप समझे कि काफी एक तरह से पर्यावरण को एक तरह से फायदा हुआ है लॉकडाउन का, ठीक है। साथ ही वायु प्रदूषण पर जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आम लोगों को शिक्षित और सूचित किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवहार को बदलने में मदद के लिए मेट्रो, बसों, होर्डिंग और रेडियो के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं। और आप समझिए कि आज आप भी NCERT आप लोग पढ़ते होंगे, तो बच्चों को शुरू से ही एक तरह से पढ़ाने की, इसमें इस के प्रति जागरूक करने की व्यवस्था होती है। और मैं कहता हूँ जन्म से ही, जब से बच्चा समझने, एक तरह से उसके दिमाग विकसित होने लगता है, तभी से उसकी एक तरह से आपको समझाना चाहिए कि वायु का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, जल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, ठीक है, पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। तो हमें लगता है इस तरह से कि काफी अच्छे से निपटा जा सकता है। और हाँ, एक बात और याद रखिए आप लोग, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा परीक्षाओं में आते रहे हैं आपके, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हो, फिर चाहे आपकी मुख्य परीक्षा हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। और देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आपसे पूछ ले इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, या पूछ ले अभी कि वो WHO के बारे में किसी भी तरह से आपके पूछ सकता है क्वेश्चंस, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें इसकी स्थापना कब हुई, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो आ सकते हैं। इसके बारे में यही पॉइंट है ना, भी आप लोग याद रखिए। मैं कहता हूँ परीक्षा में ना पूछे, पर भी आपको मालूम तो होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वायु प्रदूषण क्या है, PM2.5 क्या है। कई लोग कह रहे हैं कि PM2.5 लिख के आ रहा है न्यूज पेपरों में या मीडिया पर या कहीं भी टीवी चैनलों में चल रहा है, तो कह दें कि वो प्रधानमंत्री का जो 2.5 साल हुआ है उसी के कारण एक तरह से प्रधानमंत्री साहब जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज देखते हैं आजकल कि कुछ भी काम होता है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, कहीं भी कोई भी घटना घट रही है। तो हो सकता है कि कई ही घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार भी हो, लेकिन हर घटना के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो,
ये संभव भी नहीं है। और एक बात और है कि आप देखते हैं कि प्रधान किसी से पूछिए, कोई भक्त है अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी का, तो उसे प्रधानमंत्री या बीजेपी में कोई कमी नहीं दिखाई देगी, उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। और आप इसके अपोजिट जाइए, यानी कि आप लोग इनके विरोध वालों को देखिए, तो उन्हें कोई ऐसी बात मिलेगी ही नहीं जिसका एक तरह से वो कह सके कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये अच्छा काम किया है। तो ना तो आप लोगों को इनमें आना है, नीचे वालों में, ना ही ऊपर वालों में, आपको बीच का रास्ता चुनना है। यहां भी समझ रहे हैं, आपको अपनी सोच रखनी है। अब ऐसा नहीं कि देखिए, अंधभक्ति और गुलामी में फर्क होता है। अंधभक्ति में आपको सामने वाली की बुराई अच्छाई में कोई फर्क नहीं लगा पाते हैं आप लोग, आपको अच्छाई अच्छाई देती है। आपने देखा होगा जब आप किसी संत या भगवान के प्रति भक्ति करते हैं या अंधभक्ति करते हैं, तो उसमें आप लोगों को भगवान की अच्छाई दिखती है और संत साहब की अच्छाई दिखती है। और कई बार संत आप देखते हैं कि इस तरह के दुष्कर्मी निकलते हैं, बलात्कारी निकलते हैं, बुरे निकलते हैं, तब भी आप कहते हैं कि हमारे संत ऐसे नहीं हो सकते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। गुलामी में इतना रहता है कि आपको मालूम रहता है कि ये गलत है, फिर भी आप लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आप उसके दबाव में रहते हैं, आप उससे डरते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप समझिए कि कई बार आपने देखा होगा अंग्रेजों के समय, आप उस समय गुलाम थे, आपको मालूम था कि हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे भविष्य खेला जा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य खेला जा रहा है, हमारे देश को लूटा जा रहा है, तो उस समय आप लोग मुंह नहीं खोल पाते थे, कई लोगों ने खोला, उसी कारण आप देखते हैं आज आजादी मिली हुई। आज आप देखेंगे, आपको मालूम है कि आपको मालूम ही नहीं है कि हमारे नेता शोषण कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य खेला जा रहा है, फिर भी हम उनकी अंधभक्ति करते रहते हैं। हम ऐसे नेताओं को भी वोट देते रहते हैं और जिताते रहते हैं जिन्हें, मतलब आप समझिए कि खुद के भविष्य के बारे में मालूम नहीं है, आप ही उनका भविष्य बनाते हैं और आपका भविष्य वो किस तरह से लिखते हैं ये जग जाहिर है। चलिए खैर छोड़िए, इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग याद रखिए।